अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सो फ्रेंड्स। तो बहुत से दोस्त हमारे पूछ रहे थे कि वीवो की जो X17 सीरीज है ये कब तक हमें पाकिस्तान के अंदर मिलने वाली है। तो कब मिलेगी वीवो की X70 सीरीज पाकिस्तान के अंदर। ये वाली सीरीज अगर हम बात करें तो वीवो की जो X70 सीरीज है इस बार कुछ नई इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल जाती है। इस वाली R सीरीज के अंदर कैमराज पर अच्छा फोकस किया गया है। यहाँ पर हमें जाइस ऑप्टिक्स वगैरह ऑप्टिक टी स्टार की कोटिंग इस बार अच्छा इंप्रूवमेंट होने वाले हैं। कैमराज के अंदर कमाल होने वाले हैं वीवो के X70 सीरीज के कैमराज। तो ये वाली सीरीज बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो चाइना के अंदर वीवो ने जो अपनी X70 सीरीज है वो ऑल फोन्स लॉन्च कर दी हैं। जो X70 सीरीज के थे यहाँ पर वीवो का X70, X70 प्रो एंड X70 प्रो प्लस। यहाँ पर X70 प्रो प्लस की बात करें तो बैक पर हमें एक मिनी डिस्प्ले मिल जाता है। OLED डिस्प्ले मिलेगा, एक छोटा सा डिस्प्ले बैक पर मिलने वाला है। इस बार डिजाइन को इम्प्रूव किया गया है। वो जो पहले था वीवो का X60 प्रो प्लस पर डिस्प्ले एंड कैमराज कमाल के होने वाले हैं। गिम्बल स्टेबलाइजेशन जो पाकिस्तान के अंदर या फिर इंडिया के अंदर वीवो का X70 प्रो प्लस से पहले भी जो वीवो ने था वीवो का X60 प्रो प्लस नहीं लॉन्च किया था, बट इस बार भी हो सकता है हमें वीवो का X70 प्रो प्लस ना मिले देखने के लिए। हो भी सकता है कि वीवो इस बार अपने X70 प्रो प्लस को लॉन्च भी कर सकता है पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि ये वाला फोन देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अच्छी इंप्रूवमेंट की गई है डिस्प्ले वाइज, प्रोसेसर वाइज एंड इस बार जो छोटा सा डिस्प्ले है वो कमाल का होने वाला है, जो कि हमें सैमसंग वगैरह के फोन्स के अंदर जो मिलेगा। जब जिस फोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे ये है वीवो का X70 प्रो। तो जिसने अभी तक वीवो का X70 वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा। प्राइस के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है कि क्या प्राइस होने वाली पाकिस्तान के अंदर। फर्स्ट लुक भी शेयर हो चुकी है वीवो के X70 की। वीवो का X60 प्रो था उससे हमें डिस्प्ले मिलने वाला इस वाले फोन के अंदर भी। यहाँ पर हमें AMOLED डिस्प्ले मिलेगा 120Hz HDR10+ की 46.56 इंच डिस्प्ले साइज होने वाला है। AMOLED डिस्प्ले मिलेगा अच्छी रेजोल्यूशन के साथ। यहाँ पर हमें 240Hz का टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ साथ। कमाल हो गया डिस्प्ले मामले में। डिजाइन में अगर हम बात करें तो डिजाइन वही मिलने वाला जो X60 प्रो के अंदर दिया गया है। बैक पर कैमराज वाइज थोड़ी सी चेंजिंग देखने के लिए मिल जाती है, बट ओवरऑल अगर हम बैक से बात करें फ्रंट से ग्लास की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है। क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसमें जो मेन कैमरा होने वाला 50MP का एक वाइड कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा एंड 8 का यहाँ पर पेरिस्कोप, 5x ऑप्टिकल जूम एंड यहाँ पर 12 का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड देखने के लिए मिल जाता है। AMX766 सेंसर यूज किया गया है और गिम्बल स्टेबलाइजेशन के साथ साथ यहाँ पर हमें टी स्टार कोटिंग मिल जाती है। जनरली ये कार्ल ज़ाइस क्या करती है, ग्लासेस के ऊपर अपनी एक स्पेशल कोटिंग बनाती है। एंड जो ग्लासेस होते हैं हाई एंड कैमराज में या फिर सिनेमा कैमराज होते हैं उनमें यूज किया जाता है टी स्टार कोटिंग होती है। तो ये एक स्पेशली कोटिंग होती है जो कैमराज के लेंस के ऊपर के जो ग्लासेस होते हैं कैमराज के ऊपर उनके ऊपर जैसे तो एक अलग सा ग्लास लगवाया जाता है। यहाँ पर गिम्बल स्टेबलाइजेशन एंटी स्टार कोटिंग वगैरह तमाम वो सेंसर वगैरह है। IMX766 सोनी का सेंसर। बात करें तो वीवो को हर साल अपने कैमराज के ऊपर अच्छा काम करता है, हर फोन के अंदर अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आता है। कैमराज वाइज अगर हम बात करें एंड परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो प्रोसेसर भी अच्छे अच्छे हमें देखने के लिए मिलते हैं वीवो के फोन के अंदर। इस वाले फोन के अंदर हमें एक्सिनोस का 1080 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। कमाल का प्रोसेसर है। गेमिंग वाइज और हीटिंग इशू वगैरह की बात करें तो वो बिल्कुल नहीं मिलने वाले, बैटरी लाइफ कमाल की देगा। इमेज सिग्नल प्रोसेसर पर खासतौर पर काम किया जा रहा है। प्रो प्लस में अपनी खुद की चिप को ऐड किया हुआ है वीवो ने, जिसे हम कहते हैं V1 चिप। V1 चिप मिलने वाली है। ओवरऑल फोन के अंदर हमें 32MP की सेल्फी मिल जाती है, 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कमाल के कैमराज होने वाले हैं। जस्ट तो फोन की रैम वाइज अगर हम बात करें जहाँ पर हमें टोटल 4 वेरिएंट देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें 8 एंड 128 GB, 12 एंड 128 GB, 12 एंड 256 GB एंड 12 एंड 512 GB। तो 4 वेरिएंट मिलने वाले हैं। UFS 3.1 एंड LPDDR5 की रैम मिलेगी। ओवरऑल अगर हम बैटरी वाइज बात करें तो इस वाले फोन के अंदर हमें जो बैटरी मिलने वाली है 4500 एंड 44 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ साथ एक मैसिव बैटरी है जो कि हमें X60 प्रो के अंदर भी मिल चुकी है। होनी चाहिए थी यहाँ पर 5000mAh की बैटरी तो देनी चाहिए थी वीवो को इस वाले फोन के अंदर। 5000mAh की बैटरी कमाल होता है। अगर हम प्राइस वाइज बात करें एंड लॉन्चिंग डेट वाइज बात करें वो इसी साल में हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ के लास्ट में हमें ये वाली सीरीज सके वीवो की X70 सीरीज कमाल के फोन होने वाले हैं। उनकी जो प्राइस हो सकती है यानी कि मिल सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि हम बात करें तो वीवो ने जो है अपना X60 प्रो था उसकी जो प्राइस रखी पाकिस्तान के अंदर वो जो आपको फोन देखने के लिए मेरा पाकिस्तान के अंदर 1,05,000 में सेल होता रहा है वो वाला फोन, बट प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई थी उस वाले फोन की। लेकिन अभी भी हम बात करें तो उस वाले फोन की इतनी ही प्राइस है 1,00,000 के करीब। प्राइस कम भी हो सकता है क्योंकि ये लीक्स के थ्रू प्राइस है, बट अगर ये वाला फोन 80,000 एंड 90,000 की प्राइस रेंज में आता है, क्या ये वाली प्राइस बेस्ट है अगर 80,000 एंड 90,000 में आता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। कभी क्वेश्चन पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर
पूछ सकते हैं, हम वहीं पर होते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नहीं है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन करना हो यार, कोई भी पूछना हो, वीडियो में नेक्स्ट के साथ। ओके, अल्लाह।